गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देखिए गर्मी कितना 9 बज रहा है और गौरी अभी को लेके आई है वाटरमेलन। यहाँ पे मम्मी क्या बहुत एक्साइटेड खाने हाँ इसे क्या क्या एक्साइटेड हो बहुत खाने के लिए। यहाँ पे मम्मी काट के दे रही हैं। इसको तो काट दो। तो यहाँ पे देखिए मम्मी वाटरमेलन काट रही है। तो आप लोग जुड़े रहिए ब्लॉग में, तब तक यहाँ पे काट के तब मिलते हैं सबसे। गाइस यहाँ पे देखिए वाटरमेलन छील के और मम्मी यहाँ पे क्या लहसुन छील रही है। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है खाना। बना दूंगी तुम लोग का फेवरेट कुछ भी। क्या बना दूंगी जो फेवरेट है, हमारी फैमिली पसंद नहीं करती है इसके लिए स्किप कर दे रहे हैं, है कि नहीं। इसीलिए स्किप कर दे रहे हैं। बस आर्यन का फेवरेट खाना बना, थोड़ा सा आरव का तबीयत भी डाउन है। आराम है कि नहीं पहले से तो कुछ आराम। तो यहाँ पे देखिए आरव लेटा हुआ है, उठ गया है, सोया था तो अभी उठ गया है, स्कूल से आया था। इधर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ फटाफट, 9 बज गए हैं। एक घंटा तो लगेगा ही फेवरेट चीज़ बनाने में। अब वो फेवरेट चीज़ क्या है आप लोग गेस करिए कि आर्यन आरव का फेवरेट चीज क्या है और मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मेरा फेवरेट नहीं है। हाँ किसका है? भैया का। भैया का है। आप लोग गेस करिए और मैं नाम नहीं बताऊंगी। तो आप लोग जुड़े रहिए ब्लॉग में। यहाँ पे यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो गया है, किचन में इतनी भीड़ है क्योंकि हम किचन में काम भी कर रहे हैं और सबका ब्लॉग भी देख रहे हैं। और किसका किसका देखे हैं, विनय भाई का देखे हैं, अमित का देखे हैं, किट्टू का देखे हैं, वंदना का देखे हैं, सब लोग का ब्लॉग देख रहे थे तो इसीलिए सब लोग भीड़ लगाए थे, सब लोग ब्लॉग देख रहे थे। तो भाई दूर है, इंजॉय तो करेंगे ही। और खाना हमारा बन रहा है, इधर चावल डाल रही हूँ, इधर हमारा आर्यन का फेवरेट बन रहा है, इधर आटा सान रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आर्यन अब बड़े हो गए हो, मुझे अपने हाथ से तुम पर खाना बना के खिलाया करो। मैं बुढ़ी हो गई, एक बुढ़ी माँ को अपने हाथ से खाना खिलाया करो। आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहते तो यहाँ पे खाना बनाते हैं। आर्यन से थोड़ा सा जब मैं ना ऐसे बोलती हूँ तो आर्यन बहुत चिढ़ता है। आर्यन का ना दिमाग कुछ उल्टा सीधा जैसा रहता है, वो बहुत पता नहीं क्या सोचता है, बोलता है पागल हो गई हो क्या। गाइस यहाँ पे देखिए मम्मी का खाना बन गया, रोटी सेक के भी हो गया, बाकी चावल भी बन गया है, बाकी सब बन गया। मम्मी यहाँ पे काला रख रही है, गुड़ डाल दिए हैं, हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिए, और यहाँ पे देखिए लौंग डाल रही हैं और चाय पत्ती अभी लास्ट में डालेंगी। हाँ काढ़ा बना इधर रख दे रही हूँ, तुम लोग खाना निकाल दूंगी तो खा लेना। अरे कितना टाइम हो गया, 5:30। तो आप लोग जुड़े हुए ब्लॉग में, तब तक यहाँ पे मम्मी आरो का काढ़ा बना के तब मिलता है सबसे। और यहाँ पे देखिए चाय पत्ती भी डाल दी, आप लोग जुड़े हुए ब्लॉग में। A few moments later. So guys, सब खाना पीना खा लिए हैं, खा के मैं सो रही थी। देखिए आरो को रात को काढ़ा बना के दी थी और जैसे ही नींद लग रहा था इधर देखिए अभी आई मैं उठ के, इधर एक लवंग भूजी और इधर अजवाइन और पानी, फिर अजवाइन और पानी गर्म कर रही हूँ, पक जाएगा, थोड़ा सा एक चम्मच पानी रह जाएगा। ये इतना खास रहा है कि मेरी मुझे नींद नहीं आ रही है। अब घड़ी में देख सकते हैं 2:10 बाकी है, हालत ख़राब कर दिया है, मैं क्या करूँ। जैसे ही आँख लग रहा था, नींद लग रहा था, वैसे ही फिर हालत एकदम खराब कर दिया है। 2 दिन से रात रात भर परेशान, खांसी अक्सर रात को ज़्यादा बढ़ जाती है और डर की वजह से मम्मी मैं सपना देखा कि या वाह उल्टा सीधा बोल रहे, जब बच्चे ऐसे बोलते हैं तो जैसे घबराहट और बेचैनी हो जाती है। तुरंत उठ के आई, पानी को अजवाइन में पानी गर्म कर रही हूँ, लवंग भूजी मैं बोली दे देती हूँ, तब फिर नमक दी उसको पहले खाने के लिए, मैं बोली लवंग थोड़ा, अरे नमक थोड़ा सा मुँह में डालो,
अपने जुड़े रहिए, चलो फटाफट करके दे देती हूँ। The next morning. Good morning family, सुबह हो गई है आप, ये तो डेली का ही काम है आप लोग देख सकते हैं। और आरो की वजह से थोड़ा सा मेरा भी तबीयत डाउन हो गया है। इधर देखिए, सुबह मैगी बनाई थी आर्यन के टिफिन में, फिर आरो के टिफिन के लिए इधर जा रही हूँ दाल डालने। इधर दरिया बना रही हूँ। और आरो आज नाश्ता करने के लिए बोला अच्छा नहीं लग रहा है, तभी नहीं सही है स्क्रीन, पूरा ये स्क्रीन पे तुम्हारे क्या फटा फटा जैसा लग रहा है, हाँ कैसा स्किन इसका हो गया है। तो आप लोग जुड़े, मैं इसको खिला के मिलती हूँ, ऐसे नहीं खाएगा, जब से इसका आदत बहुत खराब हो गया है, जैसे मैं खिलाऊंगी नहीं तब से खाएगा नहीं। ये हुआ पानी पियो, तुम गर्म पानी जो है ना, गर्म पानी करके रखी हूँ, वो वाला पानी पियो। हे देवा। सो गाइस, मैं स्कूल से आ गया, यहाँ पे देखिए मम्मी खाना बना रही है। खाना बन गया है, हरारत जैसा हो गया है मुझे आज का। रात रात भर आरो परेशान कर रहा है, मैं भी परेशान कर रहा है, हरारत जैसे हो गया, पूरा बॉडी में दर्द हो रहा है। बन गया है खाना, केवल रोटी बनाना है। फटाक से बना के निकालो खाना मुझे। एक बजने को आ गया है, फटाक से खा के थोड़ा 10 मिनट आराम करके निकलना है क्लासेस में को। बहुत मतलब कि आके फिर इधर से घर पे आओ, घर से क्लासेस, बाप रे। सब लोग ब्लॉग में जुड़े तब तक यहाँ पे मम्मी खाना बना लेती हैं, यहाँ पे मिलती है आप सबसे। सो गाइज, यहाँ पे देखिए मैं खाना खा के उठ गया और क्लासेस का टाइम हो रहा है। अचानक से मम्मी को फीवर हो गया है और मतलब कि शरीर भी गर्म है और बुखार उखार भी हो रहा है। तो मम्मी कह रही है स्कूल, अरे मतलब कि क्लासेस आज मत जा, रोक रही हैं। क्या है कि आज आरो का स्कूल का जल्दी छुट्टी होगा, तो मम्मी कह रही है कौन जाएगा लेने, तुम चले जाना। वैसे भी रोज़ जाता हूँ, जिस दिन आरो का जल्दी हाफ डे रहता है उस दिन नहीं जा पाता हूँ। मम्मी कह रही है आज क्लासेस का छुट्टी कर लो, और क्लासेस में इम्पोर्टेंट पार्ट भी पढ़ाया जा रहा है, कैसे छुट्टी मार लूँ मैं। यहाँ पे देखिए मम्मी का तबीयत मतलब कि एकाएक सुबह से खाली चाय पी थी, और जो चाय पी थी वो भी वोमिट हो गया अभी इस समय। यहाँ पे आके अभी लेटी हुई हैं। क्या हुआ मम्मी? घड़ी में कितने, एक साढ़े एक बजने को भी आ गए, डेढ़ बजने को। क्या हुआ? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जैसे कुछ खाने मन नहीं कर रहा, होता है कभी कभी, तो दवाई जाके ले ना। दवाई है और वीडियो को हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो यहीं तक है हमारा आज का। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं एक अच्छे और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टाटा सेवन, टेक केयर।